दोस्तों, जब कोई जीव छोटा होता है तो उस जीव का सबसे मुख्य एवं प्राथमिक भोजन रहता है दूध। दूध चूंकि संपूर्ण आहार है, इसलिए यह शिशुकाल में किसी जीव के शरीर को पर्याप्त पोषण देने के लिए काफ़ी होता है। दूध में कार्बोहाइड्रेट और वसा के साथ साथ अधिकांश विटामिन और मांसपेशियों की मजबूती एवं वृद्धि के लिए सबसे जरूरी पोषक तत्व यानी प्रोटीन भी प्रचुर मात्रा में होता है। किंतु दुनिया का हर जीव दूध नहीं पीता। जो जीव अंडे देते हैं, उदाहरण के लिए पक्षी, अपने छोटे चूजों को दूध नहीं पिलाते। इसलिए चूजों की प्रोटीन की जरूरत पूरी करने के लिए ये पक्षी अपने चूजों को कीड़े इत्यादि के रूप में मांस खिलाते हैं। दूध पीने वाले जानवर दूध के स्वाद को पसंद करते हैं, इसलिए वो बड़े होने के बाद भी दूध बड़े चाव से पीते हैं। जैसे किसी बिल्ली या कुत्ते को आप दूध पिलाओगे तो ये जानवर बड़े खुश होकर दूध पिएंगे। किंतु पक्षियों ने अपने जीवन में कभी दूध नहीं पिया। हालांकि कुछ लोग तोते जैसे पालतू पक्षियों को दूध पिला देते हैं, किंतु दूध में मौजूद लैक्टोज पक्षियों का शरीर हजम नहीं कर पाता, जिस वजह से ज़्यादातर मौकों पर पक्षियों का पेट दूध पीने से खराब हो जाता है और कई बार पक्षी निमोनिया आदि का शिकार होकर मारे भी जाते हैं। यानी यदि आपके पास कोई पालतू पक्षी है तो उसे दूध पिलाने की कोशिश ना ही करें तो बेहतर है। किंतु इस सदी की शुरुआत में यूरोप के अंदर एक हैरान कर देने वाली घटना घटी। यूरोप में उन दिनों डेयरी फार्म से सीधे बोतलों में पैक होकर दूध लोगों के घरों तक पहुँचता था, और क्योंकि इन बोतलों को रोजाना इस्तेमाल किया जाता था, इसलिए जल्दबाजी के चलते इन पर मजबूत ढक्कन लगाने की बजाय बोतलों को एल्युमिनियम फॉइल से बने नाजुक ढक्कन से ढक दिया जाता था। सारा काम सही चल रहा था, किंतु अचानक से ब्रिटेन की एक डेयरी में कुछ ग्राहक अपनी शिकायत लेकर आए कि उनकी दूध की बोतलों में ढक्कन के रूप में लगाया गया एल्युमिनियम फॉइल फटा हुआ रहता है, यानी कोई इंसान उन बोतलों में से दूध चोरी कर रहा था। जब इस घटना की जाँच की गई तो हर कोई चौंक गया, क्योंकि बोतलों से दूध को चोरी करने वाले असल में पक्षी थे। ये पक्षी एल्युमिनियम के पतले ढक्कन को अपनी चोंच से फाड़कर बोतलों के भीतर से दूध पी रहे थे। दूध पीने वाले पक्षियों में मुख्यतः दो नस्ल के पक्षी शामिल थे, एक तो ब्लू टिट नामक नीला पक्षी और दूसरा रोबिन पक्षी, जो लगभग पूरे यूरोप में पाया जाता है। पक्षियों द्वारा इस तरह से बोतलों से दूध पीने की घटना पूरे यूरोप में देखी गई, और यह घटना सिर्फ चकित करने वाली नहीं बल्कि शोध करने वाली भी थी। भला जो जीव कभी दूध का स्वाद नहीं चखता, उसने दूध पीना कैसे शुरू कर दिया? इस घटना को वैज्ञानिक तरीके से जांचा गया तो पता चला कि इन छोटे पक्षियों को इस तरह से दूध पीने को मजबूर इंसानों द्वारा किया जा रहा था। असल में रोबिन बर्ड और ब्लू टिट जैसे छोटे पक्षियों को गार्डन बर्ड्स के तौर पर जाना जाता है, यानी ये पक्षी बगीचों में रहते हैं, जहां ना सिर्फ ये फूल पत्ती को खाते हैं बल्कि बगीचों की घास में रेंग रहे छोटे कीटों का भी शिकार करते हैं। किंतु बढ़ते शहरीकरण के कारण यूरोप का एक बहुत बड़ा हिस्सा पूरी तरह से फैक्ट्रियों में तब्दील हो चुका था, इसलिए बेचारे इन इलाकों में रहने वाले पक्षियों के खाने के लाले भी पड़ चुके थे, और भूख के चलते ही इन पक्षियों ने अपनी प्राकृतिक खुराक में परिवर्तन करते हुए दूध पीना शुरू कर दिया था। फिनलैंड में तो कुछ डेयरी मालिकों का यहाँ तक कहना था कि कुछ पक्षी उनके गायों के थनों से भी दूध पी जाते हैं, और थन पर पक्षियों की चोंच लगने से उनकी गायें इन्फेक्टेड होकर बीमार भी हो रही हैं, जिस कारण कुछ गायों की मौत भी हो चुकी है। दोस्तों, वैसे कुछ किस्से कहानियों की मानी जाए तो पक्षियों द्वारा दूध पीना कोई बहुत अनोखी बात नहीं है। उदाहरण के लिए भारत में यह मान्यता है कि हंस पक्षी दूध पीता है। हंस के बारे में तो यहाँ तक कहा जाता है कि वो ना सिर्फ दूध पीता है, बल्कि यदि आप हंस के सामने एक बर्तन के अंदर दूध और पानी मिलाकर भी रख दोगे तो हंस सिर्फ दूध पिएगा और पानी को बर्तन में ही छोड़ देगा। हालांकि ये घटना सिर्फ किस्से कहानियों का ही हिस्सा है, इसे कहीं भी प्रमाणित नहीं किया गया। वस्तुतः दूध में करीब 87% पानी होता है, ऐसे में किसी पक्षी द्वारा दूध में से पानी को अलग कर देना बिल्कुल नामुमकिन काम है। हंस के बारे में तो ये भी दावे किए गए हैं कि यह पक्षी कोई साधारण चीज नहीं बल्कि मोती खाता है, जबकि वास्तविकता ये है कि हंस खाने के मामले में छोटी मछलियों के साथ साथ पानी में उगी वनस्पति पर निर्भर रहता है। वस्तुतः आप हंस या किसी अन्य पक्षी के सामने दूध रखोगे तो वो पक्षी दूध को पानी समझकर अपनी प्यास बुझाने के लिए ही पीता है। दूध इन पक्षियों की खुराक का हिस्सा नहीं है, किंतु एम्परर पेंगुइन के मामले में ऐसा नहीं कहा जा सकता। ये विशालकाय पक्षी करीब 25 किलो तक भारी हो जाता है, और इनके संसार में बच्चों की देखरेख की जिम्मेदारी माता की बजाय पिता द्वारा निभाई जाती है। वहीं माँ पेंगुइन समुद्र में मछलियों का शिकार करने जैसा अन्य महत्वपूर्ण कार्य करती है। पिता एम्परर पेंगुइन के गले में एक थैली होती है, इस थैली में एक तरल पदार्थ बनता है, और नन्ना पेंगुइन अपने पिता के मुंह में चोंच डालकर इस तरल पदार्थ को समय समय पर पीता रहता है। वैज्ञानिकों ने जांच करके पता किया है कि इस तरल पदार्थ में दूध जैसे ही गुण होते हैं, इसलिए इस पदार्थ का नाम
क्रोप मिलकर रखा गया है। हाल ही में ज्ञात हुआ है कि न सिर्फ पेंगुइन बल्कि कुछ हद तक कबूतरों में भी इसी तरह का पदार्थ अर्थात क्रोप मिल्क बनता है। क्रोप मिल्क में प्रोटीन और वसा की मात्रा काफ़ी अधिक होती है, जिस वजह से इसे पीने से चूजे तेजी से वृद्धि करते हैं। वर्ष 1952 में एक अध्ययन के दौरान जब एक चूहे को पेंगुइन का क्रोप मिल्क पिलाया गया तो उस चूहे की वृद्धि अपने अन्य भाई बहनों की तुलना में 38% अधिक हो गई थी। वैसे पक्षियों के अतिरिक्त मछलियों को भी अंडे देने के लिए जाना जाता है, किंतु क्या कभी आपने सुना है कि एक मछली ऐसी भी है जो अंडों से बाहर निकलने के बाद अपने बच्चों को अपना दूध भी पिलाती है? ये डिस्कस फिश है, जो अमेजोन की नदियों में पाए जाने वाली एक प्रमुख मछली है। आपको शायद जानकर घिन आए, लेकिन इस मछली के पूरे शरीर से बलगम का रिसाव होता रहता है। यही कारण है कि इंसानों द्वारा न इस मछली का शिकार किया जाता है और न ही इसे खाया जाता है। लेकिन बड़ी रोचक बात है कि डिस्कस फिश के शरीर से रिश्ते बलगम जैसे पदार्थ में अनेकों पोषक तत्व होते हैं, इसलिए इस मछली के छोटे बच्चे इस पदार्थ को लगातार चाटते रहते हैं। इस पदार्थ में प्रोटीन और खतरनाक बीमारियों से लड़ने वाली कई तरह की एंटीबॉडीज भी पाई जाती है। और सबसे ज्यादा अनोखी बात यह है कि यह पदार्थ नर और मादा दोनों ही मछलियों के शरीर से एक समान निकलता है। अंडों से बाहर निकलने के बाद से लेकर करीब 2 सप्ताह तक डिस्कस फिश के बच्चे कुछ भी खाने पीने में सक्षम नहीं होते, इसलिए इन नन्हे बच्चों को अपने माता पिता के शरीर से रिश्ते इस पदार्थ के पोषण की बेहद ही अधिक आवश्यकता होती है। दोस्तों, इस तथ्य में कोई विवाद नहीं है कि दूध किसी भी जीव के छोटे बच्चों के लिए बेहतरीन प्राकृतिक व्यवस्था होती है, इसलिए जो जीव दूध का उत्पादन नहीं कर पाते उन्होंने भी अलग अलग ढंग से अपने शिशुओं के पालन पोषण की व्यवस्था कर ली है। जैसे कि इस वीडियो में देखिए, यहाँ आप एक छोटे केंचुए द्वारा बड़े केंचुए को खाते हुए देख रहे होंगे, किंतु असल बात कुछ और ही है। केंचुए जैसे दिखने वाले इस जीव को कैसिलियन कहा जाता है। यहाँ ये माँ कैसिलियन अपने छोटे बच्चों को अपनी ही त्वचा खिलाकर पोषण दे रही है। असल में जिस तरह से सांप अपनी केंचुली समय समय पर उतारते हैं, ये कैसिलियन भी ठीक वैसे ही अपनी केंचुली उतारने में सक्षम है, किंतु ये छोटा सा जीव ऐसा अपने बच्चों के लिए करता है। समय समय पर केंचुली उतारने के बजाय मादा कैसिलियन इस इंतजार में रहती है कि कब उसके बच्चे अंडों से बाहर आएंगे, और अंडों से बाहर आते ही ये छोटे कैसिलियन बच्चे खुद ही अपनी माँ की त्वचा को कुतरते हुए खाना शुरू कर देते हैं। ये त्वचा प्रोटीन का सबसे बेहतरीन स्रोत है, जिसे खाने से कैसिलियन बच्चों की लंबाई 1 सप्ताह में ही 15% तक बढ़ जाती है। वैसे देखा जाए तो प्राणी जगत में सभी प्रकार के जीव अपने बच्चों के पालन पोषण के लिए कड़ा संघर्ष और मेहनत करते हैं। यहाँ कोई अपने बच्चों को दूध पिलाता है तो कोई अपने गले में बनता पोषक पदार्थ, वहीं कुछ तो अपने बच्चों के खाने के लिए अपनी ही त्वचा पेश कर देते हैं। वास्तव में प्रत्येक जीव अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए लगातार कड़ा संघर्ष करता रहता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।